ठीक है। हेलो भाई, चलो आगे देखें आप। तो ये तो था आपका वेलोसिटी वगैरह कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन पर, ठीक है। वेलोसिटी पे और भी सवाल है, उसको भी देखेंगे हम लोग। शीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी के, तो आप लोग करना। अब आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। अब टॉपिक डालो एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अगेन कैसी क्वांटिटी है एक्सीलरेशन? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन एक्सीलरेशन जो होगा वो दो टाइप का होगा। एक होगा एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे हम लोग? एवरेज, ये होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी ऊपर लगाएंगे, वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी को क्या लिखेंगे हम लोग? वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो गया आपका? वी टू माइनस वी वन वेक्टर डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। उसी तरह से दूसरा जो एक्सीलरेशन होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इसको कैसे लिखेंगे? ए इंस्टेंटेनियस। अगेन इंस्टेंटेनियस है तो जो टाइम इंटरवल होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो आपको पता है ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? डीवी वेक्टर अपॉन डी टी वैक्टर। तो ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बन गया डीवी बाय डी टी। डीवी वैक्टर बाय डी टी। अब देखो इसमें मतलब ए बराबर हो गया आपका डीवी बाई डी टी। ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है। इसको ऊपर नीचे अगर डीएस डीएस से मल्टीप्लाई कर दू, तो ऐसा कर सकता हूं मैं, ऊपर नीचे डीएस डीएस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो यहां से ये डीएस बाई डी टी, डीएस बाई डी टी क्या होता है? ये अगेन वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए इक्वल टू हो जाएगा यहां से वी डी वी बाई डी एस। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। तो ए इक्वल टू आपके पास आएगा वी डी वी बाई डी एस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या तो आप डीवी बाई डी टी करो या वी डी वी बाई डी एस करो, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले आपके राइट है। एक टाइम के टाइम पे डिपेंड कर रहा है और एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एवरेज जो एक्सीलरेशन आया है, यहां पर दो तीन पॉइंट ध्यान देने वाली है। एवरेज एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है? V1 की तरफ है या V2 की तरफ है?
जो एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज अलोंग वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर के अलोंग होगी. वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर के अलोंग होगी. कैसे? सपोज करो, मान लो वी वन वैक्टर इस तरफ है और वी टू वैक्टर इस तरफ है. सॉरी, इधर वी टू ले लो, इधर वी वन ले लो. इन दोनों के बीच में एंगल थीटा. तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? वी टू माइनस वी वन. वी टू माइनस वी वन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? वी टू वैक्टर प्लस माइनस वी वन वैक्टर लिख सकता हूं. तो माइनस वी वन वैक्टर किधर होगा? माइनस वी वन वैक्टर आपका इधर होगा. तो वी टू माइनस वी वन आपका ये वाला वेक्टर होगा. मैंने आपको पैरेललोग्राम लो में पढ़ाया था, बताया था वी टू माइनस वी वन. तो इसी तरफ आपका एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी. तो एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ना तो वी वन की तरफ होती है ना वी टू की तरफ होती है, वो होती है केवल चेंज की तरफ, वी टू माइनस वी वन वैक्टर की तरफ होती है. आई बात समझ में? एवरेज एक्सीलरेशन की डायरेक्शन v2 माइनस v1 वेक्टर की तरफ होती है, ना कि v1 की तरफ और ना ही v2 की तरफ. एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर की तरफ होती है. और देखो इधर सेकंड पॉइंट, अभी हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकला, a बराबर कितना निकला? A बराबर निकला dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर. और जो v होता है, v वेक्टर बराबर क्या होता है? ds वेक्टर बाय dt होता है. तो v की जगह मैं यहां पे लिख दूं तो क्या हो जाएगा? d ds वेक्टर बाय dt, सॉरी यहां नीचे वेक्टर नहीं आएगा, बाय dt. तो ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर. मतलब जो एक्सीलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सीलरेशन. डिफरेंशिएशन का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा. ठीक है, पुरोहित आनंद का माइक कनेक्ट नहीं है. x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ. यस सर. तो बहुत ही आसान है. x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर, हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. यस सर. रूट ले लो, अंडर रूट ले लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डीएक्स बाय डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स, डी टू बाय डीएक्स. dx by dx कितना होता है? 1. dy by dx 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. dy by dx माइनस 1. यही आंसर? यस सर.
ठीक, वो भी प्रॉब्लम हो रहा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन है डी वी बाय डी टी, ठीक है, डी वी का मैग्नीट्यूड बाय डी टी एंड डी वी वैक्टर बाय डी टी कैन बी इक्वल, क्या ये इक्वल हो सकते हैं dv by dt और dv by सॉरी dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय dt और दूसरा है dv by dt, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ। dv by dt आपका जीरो हो बट dv वेक्टर by dt का मैग्नीट्यूड ये जीरो ना हो, दूसरा dv by dt का मैग्नीट्यूड जीरो हो बट dv वेक्टर by dt ये जीरो ना हो, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? मे बी सर हो सकती है। मे बी हो सकता है, कौन सा ए और बी दोनों हो सकता है? सर ए सर ए ए ए हो सकता है। यस सर। यस सर। बी वाला हो सकता है क्या? सर बी नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो जीरो हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो हो सकती है। चलो इधर देखो, डीवी बाय डीटी का मतलब है, बी का मतलब होता है स्पीड, ये खाली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो पहला क्या बोल रहा है कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो जीरो, उसका चेंज क्या हो जीरो हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सॉरी एक्सीलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो हो, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। एक्चुअल में ये क्या है, ये तो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन में आपको पता है एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है, तो स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है लेकिन एक्सीलरेशन आपका जीरो नहीं है। तो देखो पार्टिकल अगर ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा, तो यहां पर इसकी स्पीड डायरेक्शन ऐसे, यहां पर इसकी डायरेक्शन ऐसे, क्या इस बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? यहां पर भी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, क्या ये बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? नहीं। No, sir. वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, इसकी डायरेक्शन अभी यहां पर है, इसकी डायरेक्शन यहां पर है, V1 वेक्टर
और ये v2 वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग है, और डायरेक्शन में चेंज आ रहा है इसका मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है। बात समझ में आई? ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या v1 वेक्टर v2 वेक्टर के बराबर है क्या? क्या ये v1 वेक्टर v2 वेक्टर के बराबर है क्या? Yes, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन अलग है तो नहीं है, तो ये कैसे बराबर हो सकते हैं? v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर, तो क्या यहाँ पर v2 माइनस v1 की वैल्यू 0 आएगी क्या? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर 0 आएगा क्या? ये 0 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आपकी कांस्टेंट है, लेकिन बॉडी का एक्सीलरेशन 0 ना हो। तो कब होता है? जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो इसका इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो पहला वाला आपका क्या हो सकता है? राइट हो सकता है। आई बात समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है यहां पर। ये वी क्या है? स्पीड। dv/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यहां लिख लो, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और dv/dt का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और dv वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। दोनों का मतलब समझो, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 है। यहां पर भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड थी। तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो dv/dt उस केस में 0 होगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस 0 नहीं होगा। यहां पर वेलोसिटी इस तरफ है, यहां पर वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं लिखूं, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी -2i कैप। आपको पता ही आई कैप कैसे लिखते हैं? v1 इक्वल टू होगा -2i कैप, v2 कितना होगा? -2j कैप। तो v2 माइनस v1 करूंगा तो क्या 0 आएगा? v2 माइनस v1 करूंगा तो क्या 0 आएगा? जल्दी बोलो। नहीं आएगा 0। तो 0 नहीं आएगा, तो dv/dt चेंज इन मैग्नीट्यूड आपका 0 नहीं होगा। सेकंड केस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो हो वो 0 ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो सकता है कि बॉडी में स्पीड में ही चेंज नहीं हो रहा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही हो। बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन स्पीड, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो तो 0 हो, चेंज इन वेलोसिटी वो तो आपका 0 हो, लेकिन चेंज इन स्पीड ये 0 ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऊपर से गया सबके? नो सर। आया समझ में? यस सर। कैसा?
चलो आगे देखें अब, तो वेलोसिटी में देखो कैसे कैसे चेंज आ सकता है, मैं बताता हूं आपको वेलोसिटी में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी बॉडी का एक्सीलरेशन होगा। बॉडी कब कब एक्सीलरेट कर सकती है, तो एक्सीलरेशन कब होगा, when there is change in velocity, when there is change in velocity, और velocity में दो चीजें होती है, एक होता है magnitude, एक होता है direction। अगर मैं बात करूं change in velocity की, velocity जो केवल magnitude के change होने के कारण हो, velocity में जो change आए, मैं दोनों के example दूंगा, मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज होगा और डायरेक्शन में कैसे चेंज होगा, तब आपका वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो पहला लिखो, जब वेलोसिटी में कब चेंज आ रहा है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी पहला लिखो, केवल मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो मान लो आपकी वेलोसिटी इस तरफ है और बॉडी का एक्सीलरेशन भी इस तरफ है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बढ़ेगी सर, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है कहीं, वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही रही, इसलिए बॉडी का एक्सीलरेशन वही होगा। सेकंड, इसका ए पॉइंट लिख लो, बी एक्सीलरेशन ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, अब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज कब हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज के कारण वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, ओनली इन वन डायमेंशन मोशन हो, ओनली इन वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन में क्या होगा, या तो वो वेलोसिटी के साथ चलेगा या वेलोसिटी के अपोजिट चलेगा, ठीक है। सेकंड लेते हैं कि वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन के कारण आए, सेकंड लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी में चेंज डायरेक्शन के कारण, डायरेक्शन के कारण चेंज आए। मान लो वेलोसिटी ऐसे है, एक्सीलरेशन ऐसे है, तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या, तो ये जो पार्टिकल होगा वो कैसे घूमेगा, ऐसे करके घूमते हुए जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन मतलब एफ इक्वल टू एम ए, तो बॉडी जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ करेगी, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, वेलोसिटी इधर हो, एक्सीलरेशन नीचे हो, तो जो बॉडी का पाथ होगा वो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। यहां पर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, इसको वी वन बोल दो, इसको बोल दो वी टू, फिर आगे जाके इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो यहां पर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, तो यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड होगा। क्या चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और चेंज आ रहा है इसका मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है। आई बात समझ में,
तो ये कब होता है आपका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से घूमते हुए जा रहा है, तो उस केस में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है क्योंकि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसका मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर एनी कर्व पाथ, एंड एनी कर्व पाथ, कोई भी कर्व पाथ में घूम रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कर्व पाथ में भी वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड में जा रहा है, तो भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो एक तो था मैग्नीट्यूड में चेंज, जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तब चेंज हो सकता है वेलोसिटी में ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में चेंज होने के लिए एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तीसरा, दोनों के कारण, मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा हो, डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा हो। तीसरा, वीडियो भी सर, बोथ, बोथ का मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंज प्लस डायरेक्शन में भी चेंज वेलोसिटी के। तो मान लो वेलोसिटी ऐसे है, एक्सीलरेशन ऐसे है, तो इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, आपको पता है। एक कंपोनेंट एक्सीलरेशन का इस तरफ ए कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा तो क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और ए कॉस थीटा इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होता है तो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो ए कॉस थीटा इंक्रीजेस वेलोसिटी, वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और ए साइन थीटा चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ए साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी के एक्सीलरेशन का, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, और पैरेलल कंपोनेंट उसकी स्पीड को बढ़ाता है घटाता है, अगर माइनस में होता तो घटाता, सेम डायरेक्शन में तो बढ़ा रहा है। आई बात समझ में? यस सर। इस तरह का मोशन होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में। yes, ये कहां पर होता है दोनों का? ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको देखने को मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे हम लोग ये सब। तो कल हम लोग कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन करेंगे।